अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फिर से आपको ऐसी चैनल टीवी पर खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान इकरारुल हसन। तो आज हम बात करने वाले हैं न्यूटन के सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में। आप लोग पढ़ रहे हैं ऑल इक्वेशंस वर प्रूव्ड बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ये नोट आपको हमेशा के लिए याद रखना है, क्योंकि न्यूटन का फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन सारे ऐसी से ही प्रूव किए जाते हैं। ठीक है, तो हम पढ़ना भी शुरू करते हैं। डेरिवेशन ऑफ द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। The velocity of a body moving with uniform acceleration increases steadily. Its average velocity therefore equals half of the sum of its initial and final velocity. तो हम इसको कैसे प्रूव करेंगे? एवरेज वेलासिटी से। ठीक है, तो एवरेज वेलासिटी का फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, वी आई प्लस वी एफ अपॉन टू। ठीक है, तो डिस्टेंस हमारा क्या किसके बराबर है? एवरेज वेलासिटी इंटू टाइम। ठीक है, हमारा डिस्टेंस बराबर होगा वी आई प्लस वी एफ अपॉन टू इंटू टाइम। ठीक है, तो हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से सीख के आए हैं कि फाइनल वेलोसिटी जो है वो बराबर होता है इनिशियल वेलोसिटी प्लस एटी के। ठीक है, तो हम एवरेज वेलोसिटी जो हमारा बराबर है वी आई प्लस वी एफ अपॉन टू, और डिस्टेंस बराबर है वी आई प्लस वी एफ अपॉन टू इंटू टी। मैं आपको बताता चलूँगी, जब भी फाइनल वेलोसिटी मिला होगा, इनिशियल वेलोसिटी मिला होगा और टाइम मिला होगा, जब भी ये तीन चीज़ें मिले होंगे तो हम तो ये तीन चीज़ें मिले होंगे तो ये हमारा किसके बराबर होगा? डिस्टेंस के बराबर होगा। ठीक है, तो हमारा वी एफ जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हमने लिया था, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। सो द डिस्टेंस, हमारा डिस्टेंस जो है वो इक्वल हो गया वी आई प्लस ए टी। ठीक है, तो हमारा वी आई प्लस वी एफ अपॉन टू था, वी एफ हमारा वी एफ हमारा जो इक्वल था वो था वी आई प्लस ए टी के, तो वी आई प्लस वी आई हो गया, प्लस ए टी भी आ गया। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी को हमने ओपन किया तो वी आई प्लस ए टी आया। ठीक है, हमारा वी आई प्लस ए टी उसका फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का और वी आई इसका डिस्टेंस का। ठीक है, अपॉन टू इंटू टाइम। ठीक है, तो हो गया टू वी आई प्लस वी आई इज इक्वल टू टू वी आई अपॉन टू उसका ही प्लस ए टी स्क्वायर। ठीक है, ए टी स्क्वायर अपॉन टू, और फिर हमारा आता है डिस्टेंस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस वन अपॉन ए टी स्क्वायर। ठीक है, हमारा टू वी आई इधर से खत्म हो जाता है, टू वी आई टी अपॉन टू कम्प्लीट इंड हो जाता है, इसको काट देते हैं। फिर जो हमारा बचता है ए टी स्क्वायर अपॉन टू। ठीक है, हम टू को जो है ऊपर ले आते हैं, इसलिए हमारा जो हो जाता है वन अपॉन टू ए टी स्क्वायर। ए टी जो है वो डिवाइड में होता है, उसको हम मल्टीप्लीकेशन में लाते हैं, फिर हमारा हो जाता है वन अपॉन टू ए टी स्क्वायर। तो आप लोगों ने देखा कि डिस्टेंस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस वन अपॉन टू ए टी स्क्वायर। जो हमारा फर्स्ट सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो जो है ना बिल्कुल इम्प्रूव हो चुका है। अगर आपको इसमें कोई मसला हो तो अपने हमें जो है ना कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, हम इसके ऊपर जो है ना दूसरी वीडियो बना डालेंगे, या आपको जो है ना कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अगर आपको कमेंट सेक्शन में समझ में नहीं आया तो हमें इसके ऊपर जो है ना दूसरी वीडियो बनाएंगे। ठीक है, इसी के साथ अगर आप लोगों को समझ आ गया होगा तो मैं हमारे चैनल को लाइक भी कर देना, अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। अपने और अपने प्यारों का खास ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।